स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान के 30% हमने यहाँ पर रखे हैं। तो 30% ये कोई कॉमन एग्जाम के लिए नहीं है, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, जैसे कि यूपीपी, एसएससी, सीटेट, यूपीटेट और एलटी ग्रेड की जो भर्ती हो रही है टीचरों की, उसी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों जो हमने क्वेश्चन रखे हैं वो सारे एग्जाम को देखते हुए रखे हैं, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जल्दी से इनको तैयार कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस तरह का रेड बटन आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस करना है और साथ में घंटी आएगी उसको भी दबा देना है बेल आइकन को। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ पर हैं। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है, संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किसने की। तो ये संपत्ति निष्कासन का सिद्धांत की वकालत किसने की थी, ये की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। दोस्तों ये तो अधिक पूछ लिया था, सी टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये यूपी टेट में भी पिछले साल भी आया था और अधिकतर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो ये 1972 में लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये बंकिम चंद चटर्जी जो है आनंद मठ पुस्तक के रचयिता हैं। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न पहली वीडियो में भी हमारा रखा गया है, तो इसको कहते हैं एपिकल्चर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, वो भी बोध गया में। ये बोध गया कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। गोदान के लेखक कौन है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अपना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहा जाता है, मतलब कहाँ पर स्थित है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 हमारा आ जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे, वो जो एकमात्र राष्ट्रपति थे भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपद का कार्यभार 2 बार संभाला। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो पिछली बार अखबार में भी आपने बहुत पढ़ा होगा ये नाक क्या है। तो यह एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है ये नाक। अफगानिस्तान डूरंग लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ, कौन सी लाइन द्वारा अलग हुआ अफगानिस्तान भारत से, डूरंग लाइन, ये क्वेश्चन याद करना है आपको। सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कहाँ की और कब की। तो ये 1699 में आनंदपुर साहिब में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला कौन था, कौन था ये, लॉर्ड मैकॉले जो था गवर्नर था उस टाइम का, तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। राजीव गांधी का मानव बम पहले से हत्या तमिलनाडु राज्य में हुई थी, मतलब जो राजीव गांधी जो थे उनकी जो हत्या हुई थी मानव बम द्वारा की गई थी, और कहाँ हुई थी, वो तमिलनाडु में हुई थी। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। ज्वारभाटा प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के कारण, किसके फलस्वरूप आता, चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है, भारत का विभाजन जो हुआ था किसकी योजना थी, किसका दिमाग इसमें लगा था। तो ये लगा था माउंटबेटन के दिमाग की है उपज थी, योजना थी बालकन योजना, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1970 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। आप दोस्तों फेसबुक तो चलाते होंगे तो इनके संस्थापक का नाम आपको पता ही होगा, तो यह है मार्क जुकरबर्ग। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, गूगल के सीईओ का क्या नाम है, गूगल के सीईओ का क्या नाम है। तो ये सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। ऐश्वर्या आयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाता है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो मेघा पाटकर ने इसका जो नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर हमारा, कैटरपिलर क्या है। तो यह है एक प्रकार का लार्वा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसके सहयोग से स्थापित किया, तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत में जब पहले भारतीय रेल सेवा का आरंभ हुआ, तो ये कब हुआ था, 1853 ईस्वी में रेल सेवा का आरंभ हुआ था। तो इसका जो भारत का जो गवर्नर जनरल ये कौन थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी जो थे उस टाइम गवर्नर जनरल थे भारत के। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत हुई। कथक कहाँ का नृत्य है, नृत्य भी पूछ नहीं आते हैं वो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नृत्य के संबंधित ही बना रहा हूँ, देख लीजिएगा उसको भी। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो कथक जो है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। तत्व लोगों का प्रतीक चिन्ह FE है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों लोगो आ गया है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा 29 है। जंजीबार द्वीप को क्लोव आइलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोव आइलैंड। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम है बैंकिंग सोडा।